जब बिजली सप्लाई करने वाली मशीन को लगने लगी गर्मी तो फिर बिजली विभाग ने उसके लिए कूलर और पानी का इंतजाम करवाया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। जिस मशीन से आप कूलर, पंखे और एसी चला रहे हैं, उस मशीन को भी अब कूलर की जरूरत पड़ने लगी है। मतलब साफ है, इस भीषण गर्मी में इंसान तो इंसान, अब मशीन भी परेशान होने लगी है। बढ़ते तापमान ने इन मशीनों की गर्मी भी बढ़ा दी है। गया समेत बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में माना भी नहीं, मशीनों पर भी आफत आ गई है। पावर स्टेशन के बिजली ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखा चलाने की नौबत आ गई है। बिहार के गया में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच चला जा रहा है। एक ओर जहां भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो दूसरी ओर पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर भी गर्म होकर जवाब देने लगे हैं। इसके कारण तार जल रहे हैं और कई घंटे बिजली सप्लाई बाधित भी हो जा रही है। इस भीषण गर्मी में सुचारू बिजली चुनौती के रूप में होती है, लेकिन बिजली विभाग ने सुचारू रूप से बिजली के लिए कई उपाय निकाले हैं। भीषण गर्मी के बीच पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड पड़ रहा है, जिसके कारण पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के तार जल रहे हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति प्रभावित भी हो रही है। इसके बीच अब बिजली विभाग ने पावर ट्रांसफार्मर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए कूलर, पंखे और पानी का सहारा लिया है। फिलहाल इस गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ गई है। बिजली के पावर ट्रांसफार्मर पर काफी लोड बढ़ गया है। पूर्व में 100 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, अब 150 मेगावाट तक की खपत हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलोड होने से गया शहर के गांधी मैदान पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मरों का बुरा हाल है। इसे देखते हुए बिजली विभाग ने उपाय निकाला है और नॉर्मल रखने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कूलर, पंखे और पानी का छिड़काव भी मशीनों पर किया जा रहा है। गांधी मैदान पावर सब स्टेशन के विद्युत कर्मी रजत कुमार के अनुसार भीषण गर्मी के बीच पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर ओवरलोड से जवाब दे रहे हैं। ऐसे में पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के तापमान को नॉर्मल रखने के लिए कूलर एवं पंखा लगाया जा रहा है, वहीं पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी के बीच सब स्टेशन के ट्रांसफार्मरों को नॉर्मल तापमान में रखने के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं, वहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के नॉर्मल होने से बिजली सुचारू रूप से सप्लाई होने में मदद भी मिलेगी। आप इस तस्वीर को देख लीजिए, कैसे एक विद्युत कर्मी चेहरे पर गमछा ओढ़कर मशीनों पर पानी डाल रहा है ताकि मशीन सुचारू रूप से ज्यादा तापमान में ना हो, जिससे बिजली सप्लाई में बाधित ना हो। आप इस सीधी तस्वीर को देख लीजिए और समझ लीजिए कि हमारे आसपास के जगहों पर पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। जिस मशीन से आप एसी, कूलर, पंखा लगाते हैं, वो मशीन को भी अब एसी और कूलर की जरूरत पड़ने लगी है, यानी मशीन का तापमान बढ़ने लगा है। इस मौसम में आप समझ लीजिए इंसान ही नहीं बल्कि मशीन भी जवाब देने लगे हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज से आप वादा करिए कि घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हम लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। धन्यवाद। पानी क्यों छिटा जा रहा है इस पे? ठंडा, तेल ठंडा करने के लिए। अच्छा, मतलब अभी टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर इसका भाग गया है। अच्छा, टेम्परेचर लो करने के लिए। मतलब ये बिजली देती है और इससे एसी चलता है, अब इसको भी जो है वो कूलिंग करने की जरूरत पड़ गया। पाँच सात साल पहले ऐसा जरूरत पड़ता था क्या, कि अब ज्यादा तापमान के कारण ऐसा हो रहा है? तापमान इधर ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, आपका परिचय? राम जी मिश्रा, हम यहाँ पर SBO है। SBO